जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती 2023 कांस्टेबल की आप सभी लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगी, और वैकेंसी आने वाली है, इसी महीने आने वाली है। बस आप तैयार रहिए और लगे रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा फॉर्म कम्प्लीट होने के बाद। बाकी इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पूरा सिलेबस क्या है, फुल सिलेबस डिटेल से समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्त आज का वीडियो। देखिए, और आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर यही आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। टेलीग्राम पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलता रहता है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा लेना है, क्योंकि आपको यहाँ से पढ़ने के लिए बहुत चीज़ कंटेंट आपको उपलब्ध है, आप जा कर के पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में। देखिए, इस सिलेबस को हमने टेलीग्राम पर भी डाल दिया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए, इसमें चार सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन है जनरल नॉलेज, यानी कि सामान्य ज्ञान का। इसमें इतिहास हो गया, संस्कृति यानी कि कल्चर, भूगोल, अर्थशास्त्र, भारतीय संविधान, खेल, साहित्य, विज्ञान, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के बारे में विशिष्ट जानकारी। देखिए, यह वाला सेक्शन आया, तो यहाँ पर एक बार आ जाइए, एक सेकेंड, वो हमने लगाना भूल गया है, ठीक है। बाकी इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, हमने डिटेल से यह कराया है, तो इस वाले सेक्शन को भी आप जा करके देख सकते हैं। बाकी राजस्व, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था, इसको भी हमने पढ़ा दिया है, और महिलाओं बच्चों का संरक्षण, इसके अलावा सूचना संचार प्रौद्योगिकी, पर्यावरणीय ज्ञान, और यहाँ पर भाषा का मौलिक ज्ञान आपको आना चाहिए। यह जनरल सेक्शन वाला हो गया, जनरल नॉलेज। और इसी में आता है करंट अफेयर, करंट अफेयर आपका मजबूत होना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स में भी यहाँ अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलता है, खासकर यूपी करंट से। इसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं हैं, करंट अफेयर है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय। इसके अलावा यूपी का तो ज़्यादा पूछता है। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो गए, नियुक्तियाँ हो गई, पुरस्कार हो गया, प्रमुख स्थल, ठीक है, और प्रमुख समितियां एवं आयोग। इसके अलावा जो भी ज्वलंत यानी कि वर्तमान में मुद्दे हैं जो कि बहुत काफ़ी चर्चे में रहे हैं, प्रमुख जो समझौता हुआ है, न्यायिक निर्णय, और बुक और आर्थर जो कि वर्तमान में चर्चित हैं, उनकी किताबें वगैरह, यह सब यहां से पूछा जाता है। फिर इसके बाद आता है रीजनिंग, दूसरा सेक्शन आता है रीजनिंग। देखिए दोस्त, रीजनिंग में लगभग सभी चैप्टर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि एनालॉग वाला हो गया, और डिफरेंस हो गया, और इसके अलावा भिन्नता हो गया, खाली स्थान भरने वाला हो गया, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण और निर्णय, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, ठीक है। और यहाँ पर रिलेशनशिप संबंध वाला जो क्वेश्चन हो गया, माता पिता है, ठीक है, भाई का, भाई के पिता की बहन, ऐसी आता है क्वेश्चन, वह हो गया, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो यह सब आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं रीजनिंग से, ठीक है। इसके अलावा आता है न्यूमेरिकल। तो देखिए, न्यूमेरिकल इसमें 37 क्वेश्चन में से न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में आपको 19 से 20 क्वेश्चन मैथ के देखने को मिलेंगे, बाकी जो बच जाता है वह रीजनिंग वाला ही पार्ट आता है। जैसे मानसिक क्षमता हो गया, तो यह रीजनिंग का ही पार्ट है, ठीक है। तो मैथ जिनका थोड़ा सा वीक है, तो बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो घबराना है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 20 क्वेश्चन आता है मैथ का, और हल्का हल्का ही क्वेश्चन रहता है। आंकिक क्षमता में संख्या पद्धति हो गया, सरलीकरण, दशमलव भिन्न, इसके अलावा एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी यानी कि पार्टनरशिप, औसत समय, कार्य ऊर्जा, और दूरी, सारणी एवं ग्राफ, मेंसुरेशन, यह सब प्रश्न आता है मैथ से, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखेंगे मानसिक एबिलिटी यानी कि मेंटल एबिलिटी से बात करेंगे, तो यह भी सेक्शन आता है मैथ के अंतर्गत, लेकिन यह रीजनिंग वाला सेक्शन है, ठीक है। तो यह काफ़ी मैथ वाले सेक्शन को आसान बना देता है, क्योंकि यहाँ से 20 क्वेश्चन के करीब, 18 से 20 क्वेश्चन के करीब मैथ वाले सेक्शन में घुस जाता है, जो कि रीजनिंग का रहता है। इसके अलावा आता है जो सबसे आसान वाला चैप्टर है, हिंदी, ठीक है। तो हिंदी को आपको ध्यान से देखना है, हिंदी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी का जो मौलिक व्याकरण ज्ञान आपका होना चाहिए, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक, शुद्ध अशुद्ध वाक्यों को पहचानना, ठीक है, लिंग, वचन, सर्वनाम, क्रिया, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, संधि, समास, और विभिन्न मुहावरों की लोकोक्तियाँ के अर्थ, रस, छंद, अलंकार, और जो भी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके अलावा एक आता है
उसको गद्यांश आता है उसको हल करने वाला, ठीक है। तो यह सब क्वेश्चन आता है, बाकी लगभग 2 क्वेश्चन हिंदी में इंग्लिश का देखने को आपको मिलता है, ठीक है। कोई शब्द दे देगा हिंदी का, कहेगा इसको इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, या फिर इंग्लिश वाला दे देगा पूछेगा इसका हिंदी में क्या होगा ट्रांसलेशन, ठीक है। तो यह हो गया सिलेबस, तो सिलेबस को हमने टेलीग्राम पर भी डाल दिया है, तो आप वहाँ से जा कर के ले सकते हैं। बाकी यूपी पुलिस में कांस्टेबल की तैयारी करने वाले दोस्त के बारे में बात करेंगे, बुक के बारे में जो कि है चच्छू पब्लिकेशन की। यह चच्छू पब्लिकेशन की बुक है जो कि पूरी स्टडी गाइड बुक है जो कि आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। और बिल्कुल नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है, इसमें आपको मिलता है सॉल्व पेपर और एमसीक्यू क्वेश्चन भी इसमें आपको मिल जाता है। नीचे जब आप देखेंगे सिलेबस के अलावा यहाँ पर जैसे पहला चैप्टर यहाँ पर आएगा उत्तर प्रदेश पुलिस एक परिचय, ठीक है। तो इसमें पुलिस परिचय के बारे में डिटेल से दिया हुआ है नीचे, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बाकायदा मैप के सहायता से दिया हुआ है पुलिस की रैंक क्या होती है, ठीक है, कितने मुख्यालय हैं, पुलिस के बारे में डिटेल से दिया हुआ है यूपी के बारे में, और इस प्रकार से अन्य चैप्टर भी नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो इनकी यूपी पुलिस कांस्टेबल स्टडी गाइड के बुक के साथ यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो आप इसको भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप अपने नज़दीकी पुस्तक भंडार से भी ले सकते हैं। बाकी तैयारी करते रहिए, तैयारी को नहीं रोकना है, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर सिलेबस में हल्का सा छूट गया है, बाकी टेलीग्राम पर हमने डिटेल डाल दिया है। जैसे यूपी पुलिस में क्या होता है कि पुलिस प्रणाली पूछ लेता है कि पुलिस का सिस्टम क्या है, ठीक है। तो रेडियो ऑपरेटर के लिए हमने इसको भी बताया, बाकी आप भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे कानून एवं शांति व्यवस्था होती है, सांप्रदायिक सौहार्द कैसे स्थापित किया जाता है, ठीक है, विधि का शासन क्या है, तो इसको हमने प्लेलिस्ट में लगा दिया है, इसको भी देख लीजिएगा। बाकी जो सिलेबस है हमने टेलीग्राम पर डाल दिया है, आप वहाँ से डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर मेंटल एप्टीट्यूड भी है, थोड़ा सा यहाँ पर छूट गया है इसमें, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।